ठीक है, एंड वी वांट टू कैलकुलेट द नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द हाउस। ओके, सो हाउ वी विल कैलकुलेट, तो पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि इसमें क्या करना है हम लोगों को और ये किस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूं इसको, जिससे कि ये तुम लोगों को विजिबल हो जाए अच्छे तरीके से। सो एज यू कैन सी दिस इज अ क्वेश्चन 3.1। ओके, सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज द वॉल ऑफ अ हाउस। ठीक है, एक कोई घर है, ठीक है, जिसकी जो दीवारें हैं उसकी जो लेंथ है द 4 मीटर, जो हाइट है दैट इज गिवन एज 4 मीटर, 4 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड। ठीक है, मतलब जो हाइट है और जो चौड़ाई है वो तुम्हारे पास दी हुआ है। ठीक है, जैसे अगर रेक्टेंगुलर उसमें बात करें तो जो चौड़ाई है और वो ये दो दो चीजें तुम्हारे पास यहाँ गिवन है। अभी मैं दिखा दूंगा ये 4 मीटर क्या है और 5 मीटर क्या है। ठीक है, डायग्राम से हमें पता चल जाएगा। ठीक है, एंड 0.3 मीटर थिक, दैट मीन्स द थिकनेस ऑफ योर वॉल, हाउस वॉल इज गिवन। ठीक है, कि तुम्हारा जो घर है उसकी जो थिकनेस है वॉल की वो है हमारी 0.3 मीटर। ठीक है, आर मेड फ्रॉम अ ब्रिक विथ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ 0.9 वाट पर मीटर केल्विन। ठीक है, जो ब्रिक है, जो ईटे लगी हुई है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 0.9। ओके, द टेम्परेचर ऑफ एयर इनसाइड द हाउस इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो घर है उसके अंदर जो एयर है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, एंड द आउटसाइड एयर इज एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो सर्दियों का मौसम रहा होगा, -10 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर है और घर के अंदर कितना है, 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, देयर इज अ हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन ऑन द इनसाइड वॉल। जो इनसाइड वॉल में एच की वैल्यू है, मतलब इनसाइड वॉल का मतलब घर के अंदर जो हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू है 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और घर के बाहर जो हीट ट्रांसफर का कोफिशिएंट है उसकी वैल्यू कितनी है, उसकी वैल्यू है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ओके, तो तुम्हें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द इनसाइड एंड आउटसाइड वॉल टेम्परेचर। तुम्हें कैलकुलेट करना है कि वॉल जो है हमारा उसके इनसाइड मतलब घर के अंदर की साइड कितना टेम्परेचर होगा और आउटसाइड आउटसाइड मतलब घर के बाहर कितना टेम्परेचर होगा, ये निकालना है। ठीक है, वॉल की सरफेस पे, ठीक है, इनसाइड सरफेस पे और आउटसाइड सरफेस पे क्या टेम्परेचर होंगे, वी हैव टू फाइंड आउट दैट। ओके, एज वेल एज वी हैव टू फाइंड आउट द हीट फ्लक्स एंड टोटल हीट ट्रांसफर रेट थ्रू द वॉल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें निकालनी है। ठीक है, तो प्रॉब्लम को देख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देख लो, ये हमारी प्रॉब्लम है, दिस इज द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ठीक है, और इसमें क्या है कि देखो जो वॉल है तुम्हारा, ये तुम्हें दिख रहा होगा, ये वॉल है। ठीक है, तो 5 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है, देख सकते हो चौड़ाई, मतलब ये वाली जो लेंथ है, जैसे ये रेक्टेंगुलर अगर इधर से देखोगे तो रेक्टेंगुलर दिख रहा है, ये ऊपर वाले पोर्शन को अगर नेग्लेक्ट करें तो ये रेक्टेंगुलर दिख रहा है। तो इस रेक्टेंगुलर पोर्शन में ये 5 मीटर तो इसकी जो है चौड़ाई है, ठीक है, और 4 मीटर इसकी हाइट है। ठीक है, और यहाँ पे अंदर एयर है जिसका टेम्परेचर तुम्हारे पास दिया हुआ है कितना, अंदर वाली एयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है। ठीक है, बाहर वाली एयर का टेम्परेचर, जो घर के बाहर एयर है, उसका -10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ईट जो लगी हुई है इस दीवार में, ठीक है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 0.9। ठीक है, H1 मतलब अंदर H1 दे रखा है तुम्हें, H1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। ठीक है, और H2 की वैल्यू दे रखी है 30 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। तो H1 जो है घर के अंदर जो है हीट ट्रांसफर कोफिशियंट है, जो घर के अंदर वो है H1, और H2 क्या है, बाहर का हीट ट्रांसफर कोफिशियंट। ठीक है, उसके बाद तुम्हें जो दीवार है तुम्हारी उसकी थिकनेस दी हुई है। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, ये पहले क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, क्वेश्चन आ गया समझ में सबको? यस सर। अगर देखो सॉल्व करने के लिए सबसे पहली जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, यू हैव टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ठीक है, अंटिल यू विल अंडरस्टैंड द क्वेश्चन यू कैन नॉट सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, सो अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज दैट वी हैव अ हाउस इन विच द इनसाइड टेम्परेचर इज 20 डिग्री, आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री, एंड वॉट वी वॉन्ट टू फाइंड आउट, वी वॉन्ट टू फाइंड द इनसाइड टेम्परेचर ऑफ द वॉल, ठीक है, एज वेल एज आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ द वॉल, द नेट हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉल, ओके, और द हीट फ्लक्स। ठीक है, वी वॉन्ट टू फाइंड आउट ऑल ऑफ दीज क्वान्टिटी। ओके, तो ये सारी क्वांटिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो अगर मैं इसको क्या करता हूं कि इस वॉल का अगर मैं
डायग्राम बनाता हूं या इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बनाना चाहता हूं, तो यहां पे तुम देख सकते हो कि इस वाल का जो डायग्राम है वो हम कुछ इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये तुम्हारी ईंट लगी हुई है, ठीक है, ये जो ईंट है, ठीक है, ये जो तुम्हारे पास ईंट है, ये जो ईंट लगी हुई है यहाँ पे दिख रहा है तुम्हें, जो ईंट है, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हारे पास दी हुई है 0.9, ठीक है, ये 0.9 है, ठीक है। तो अगर मैं इसका वैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर बनाना चाहूंगा तो मैं किस हिसाब से बनाऊंगा इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, क्योंकि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें इसका जो थर्मल रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो तुम्हें यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि ओवरऑल थर्मल रेजिस्टेंस क्या होगा, तभी हम हीट ट्रांसफर जो है निकाल पाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ये तुम्हारा वाल हो गया, इस वाल की थिकनेस हमारे पास गिवन है 0.3 मीटर, ठीक है, और इसके इनसाइड जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड, आउटसाइड टेम्परेचर इज -10 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज गिवन। ओके, सो लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम, लेट अस सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ओके, सो कैसे सॉल्व करेंगे भाई, देखो तुम्हारा पास क्या है, तुम्हारे पास है दीवार, ठीक है, ये तुम्हारे घर की दीवार है, ठीक है, इसका यहाँ का टेम्परेचर तुम्हें मालूम है, ठीक है, इसके इनसाइड का टेम्परेचर जो है, इनसाइड का टेम्परेचर, यहाँ का इनसाइड का टेम्परेचर तुम्हें मालूम है, ये दिया हुआ है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब कोई जो इसमें एयर है उसका टेम्परेचर कितना है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि ये घर के अंदर का टेम्परेचर, ठीक है। इसकी थर्मल कंडक्टिविटी तुम्हें मालूम है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी दी हुई है 0.9, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। इधर तुम्हारे पास H1 की वैल्यू दी हुई है, इधर तुम्हारे पास H2 की वैल्यू दी हुई है, यहां दिया हुआ है कि यहां पे अगर मैं इसको T∞1 बोलूं और इसको T∞2 बोलूं तो T∞2 की वैल्यू हो जाएगी -10, ठीक है, डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, सो H1 ये हो गया और H2 ये हो गया, H1 H2 की वैल्यू हमारे पास गिवन है, देख लेते हैं कितनी है, ठीक है, H1 की वैल्यू है 10 और H2 की वैल्यू है 30, ठीक है, तो H1 की जो वैल्यू है दैट इज 10 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, दिस इज द यूनिट ऑफ कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट। ओके, एंड The value of H2 is 20 watt per meter square Kelvin. This is given. Okay. This thickness is also known. The thickness of this wall is known as 0.3. ठीक है? और ये चीज भी तुम्हें पता है, अगर मैं इसको इधर से ऐसे बना देता हूं, ठीक है, तो ये जो लेंथ है वाल की, जो लेंथ है, ठीक है, ऐसा कुछ वाल रहा होगा तुम्हारे घर का, ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बट समझ लेना, ये वाल की तरह दिखेगा, ठीक है, वाल है, ये लेंथ तुम्हारे पास गिवन है, ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ आई थिंक 4 है, दिस इज 4 मीटर, और ये दिया हुआ है 5, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन, क्लियर है, ठीक है, कि 4 और 5 क्या है, यहां से भी देख सकते हो, इसमें भी तुम्हारा दिया हुआ है 4 और 5 क्या है, ये 5 है और ये जो हाइट है दैट इज 4। ओके, so we are considering only that portion, this upper portion is not considered, ठीक है, तो ये हो गया, अब ये हमारे पास आ गया, ठीक है, तुम्हारे पास देखो यहाँ पे कंपोजिट स्लैब नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एक ही स्लैब फिलहाल, ठीक है, बट उसके इधर और इधर हमारे पास दो और है हमारे पास, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी हो रहा है और राइट साइड में भी कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, सो नाउ वी वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम into the electrical analogy. Okay, so how we will convert this problem into electrical analogy? Let me call the temperature of this point to be 1 or this surface to be 1. इस surface का temperature T1 मान लेते हैं और इस surface का temperature T2 मान लेते हैं. हमें नहीं पता T1 T2 क्या है, यही तो निकालना है, ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है. तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूं तो मैं कैसा बनाऊंगा, सबसे पहले क्या आएगा, तुम लोग बताओ सबसे पहले क्या आएगा, अगर मैं इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाता हूं तो क्या आएगा सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में, कौन सा टेम्परेचर आएगा,
इन्फिनिटी वन। ओके बिल्कुल सही, टी इंफिनिटी वन आएगा। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे सर्किट, पहले क्या आएगा, टी इंफिनिटी वन आएगा, उसके बाद क्या आएगा, टी वन आएगा, उसके बीच एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, मैं डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू ही लिख दूंगा, यहाँ पर टी इंफिनिटी वन आया। ठीक है, टी इंफिनिटी वन से टी वन, ठीक है, तो टी इंफिनिटी वन से टी वन के बीच एक रेजिस्टेंस होगा, ये कौन सा रेजिस्टेंस होगा, दिस इज अ कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस। ओके, सो लेट मी कॉल दिस पॉइंट टू बी टी वन। ठीक है, एंड दिस रेजिस्टेंस यू कैन इजिली राइट डाउन एज वन बाय एच वन ए। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, वन बाय एच वन ए होगी, वन डिवाइडेड बाय एच वन ए, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रेजिस्टेंस। ओके, उसके बाद टी वन टू टी टू, टी वन टू टी टू के बीच भी एक रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, यहां पे आएगा टी टू, ये वाला रेजिस्टेंस, ये जो वाल है हमारा, इसका रेजिस्टेंस, अब इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, जो इस वाल की लेंथ होगी डिवाइडेड बाय जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द वॉल। ठीक है, बहुत क्लियर है। उसके बाद टी टू और टी इंफिनिटिव के बीच भी एक कौन सा होगा, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि वाल की बाहर की साइड, तुम्हारे घर के बाहर की साइड भी हवा होगी, वो हवा मूव करेगी, तो वहां पे थर्मल जो हमारा वहां पे हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कॉफिशियंट, दैट इज ऑल्सो गिवेन। ओके, दैट इज ऑल्सो गिवेन, तो दिस इज टेम्परेचर टी इन्फिनिटी टू, एंड दिस इज द रेजिस्टेंस, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस आउटसाइड योर हाउस। ठीक है, एंड दैट इज नथिंग बट एच टू ए। ठीक है, देखो बहुत धीरे धीरे मैं बता रहा हूँ, इसका रीजन यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि एक क्वेश्चन तुम ढंग से समझ जाओ, मेनली कंसेप्ट तुम्हें समझ में आ जाए, उसके बाद तुम आगे क्वेश्चन बहुत तेजी से कर पाओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बना लिया इसका सर्किट। ठीक है, यहाँ से भी देख सकते हो, अगर यहाँ से देखना चाहो तो ये देख सकते हो, ज्यादा क्लियर व्यू है। ठीक है, यहाँ से टी इन्फिनिटिव, ये टेम्परेचर है, सब कुछ यहाँ मेंशन है, टी इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 10 डिग्री सेंटीग्रेड, एच वन और एच टू। ठीक है, एच वन 10 है, एच टू 30 है। ठीक है, शायद मैंने वैल्यू गलत रख दी है, ये 30 है। ठीक है, तो ये 30 है। अब क्या करना है, देखो ये तो हमें पता चल गया कि जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है ये क्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें निकालना है इनसाइड और आउटसाइड वाल का टेम्परेचर, मतलब टी वन और टी टू चाहिए हमें, हीट फ्लक्स निकालना है और टोटल हीट ट्रांसफर निकालना है। ठीक है, तो कुछ जो एजम्पशन होते हैं वो ऑलरेडी हम लेके चलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये हम मान रहे हैं दिस इज द स्टडी स्टेट कंडीशन। स्टडी स्टेट कंडीशन मीन्स द टेम्परेचर दैट एट सरफेस इनसाइड द वाल। ठीक है, इनसाइड वाल द सरफेस टेम्परेचर ऑफ इनसाइड वाल इज कॉन्स्टेंट, दैट इज टी वन, द सरफेस टेम्परेचर ऑफ आउटसाइड वाल इज कॉन्स्टेंट, दैट इज टी टू। ठीक है, दैट इज नॉट वेरिंग विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो हमारा वेरी नहीं कर रहा है। ठीक है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी है, कांस्टेंट प्रॉपर्टी का मतलब जो हमने थर्मल कंडक्टिविटी मानी है ईट की, तो हम ये पूरा मान के चल रहे हैं कि ओवरऑल वो ईट ही है। ठीक है, और सबकी थर्मल कंडक्टिविटी 0.9 ही है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा टोटल हीट ट्रांसफर होगा वो तो हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि तुम्हें पता है हीट ट्रांसफर क्या होता है। हीट ट्रांसफर जो होता है क्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू होती है क्या, डेल्टा टी, मतलब ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस जो होगा। ठीक है, डेल्टा टी, डेल्टा टी क्या, ओवरऑल डिवाइडेड बाय डेल्टा डिवाइडेड बाय आर टोटल। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा उस सर्किट। ठीक है, तो ये तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं। तो क्यू को क्या लिख देंगे, क्यू इजकल टू डेल्टा टी, ओवरऑल क्या है, ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस क्या है, ये टी इन्फिनिटी वन है। ठीक है, यहाँ पे, और लास्ट टेम्परेचर क्या है, टी इन्फिनिटी टू, तो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, टी इन्फिनिटी वन माइनस टी इन्फिनिटिव टू। ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल रेजिस्टेंस देखो यहां तो सीरीज में है, तो सीधा सीधा ऐड हो जाएगा भाई, क्या ऐड हो जाएगा, वन अपॉन, ये हो जाएगा वन अपॉन एच वन ए प्लस एल अपॉन के ए प्लस वन अपॉन एच टू ए। ठीक है, ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री, ये क्या है, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ठीक है, दिस इज योर आर वन, दिस इज योर आर टू, दिस इज योर आर थ्री। ठीक है, तो अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, तो मैं वैल्यू यहाँ पे डालूंगा, तो देखो टी इन्फिनिटी वन, ठीक है, टी इन्फिनिटी वन की वैल्यू हमारे पास है कितनी, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब चूंकि यहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस है, ठीक है, तो तुम चाहे कैल्विन में ले लो चाहे डिग्री सेल्सियस में ले लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, लेकिन कहीं भी अगर खाली टेम्परेचर हो
उस केस में यूनिट का ध्यान रखना, ठीक है, जो भी यूनिट तुम्हें डिजायरेबल होगी वो लेना, ठीक है। तो यहाँ पे तो मैं सीधा डिग्री सेंटीग्रेड में ही घटा लेता हूँ, क्योंकि टेम्परेचर ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर उतना ही आएगा, चाहे केल्विन में घटाए चाहे डिग्री सेंटीग्रेड में घटाए। तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया माइनस माइनस 10, ठीक है, सो इट विल बिकम 30, ओके, डिवाइडेड बाय 1/H1A। अब 1/H1A की वैल्यू तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ तुम्हें, 1/H1A इसने कैलकुलेट किया हुआ है ऑलरेडी, R1 की वैल्यू इसने कैलकुलेट की हुई है, ठीक है। तो R1 की वैल्यू आई है 0.10, देख सकते हो, 1/H1A, H1 कितना है हमारा 10 है, ठीक है। और एरिया, अब देखो एरिया कौन सा लेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। सॉरी ये इसका जो है, एक मिनट बेटा, ये H1A यहाँ पे ये आएगा 0.005, ठीक है। एरिया कौन सा लेंगे, तो एरिया मैंने बताया था जिधर हीट फ्लो करती है उसके हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं, तो हीट कहाँ फ्लो करेगी, इसके परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। तो कौन सा एरिया लेंगे तुम लोग बताओ, एरिया की वैल्यू कितनी होगी, एरिया की वैल्यू कितनी होगी, ना 5/4 20। यस बिल्कुल सही, जिधर हीट फ्लो कर रहा है उसके परपेंडिकुलर एरिया, ठीक है। हीट कहाँ फ्लो करेगी, यहाँ पे फ्लो करेगी हीट, ठीक है। तो इसके परपेंडिकुलर एरिया मतलब कौन सा, लेंथ इनटू विड्थ, तो ये लेंथ नहीं, ये हाइट इनटू विड्थ, हाइट कितनी है 4 है और विड्थ कितनी है 5 है, तो एरिया तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा एरिया जो होगा वो होगा 20, ठीक है। तो ये 1/H1 की वैल्यू निकाल लेना भाई, मैं यहाँ पे देख लिख दे रहा हूँ सीधा, देखो 1/H1, H1 हमारा क्या है, H1 है हमारा 10, ठीक है, और एरिया है हमारा 20, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे आ रही है हमारी, ये निकाला हुआ है इन्होंने, देखो ये 0.005, ठीक है। तो मैं सीधा यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूँ, आपकी पॉइंट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, क्या स्क्रीन स्क्रीन शेयर नहीं शेयर हो नहीं हो रही, रही सर, स्क्रीन तो यार शेयर कर रखी है मैंने सर यहाँ हो पे, रही है, हो रही है सर, हो रही है, इसको नहीं दिख रही होगी। तुम ना उस पे क्लिक कर लो बेटा, जो मेरा आ रहा है नितेश कुमार लिख के योर प्रेजेंटेशन, उस पे टैप करो, ठीक है। मैं दोबारा कर देता हूं शेयर, सर हो गई है, अभिषेक अभिषेक गॉड प्रेजेंट कर रहा है इसीलिए तो नहीं हो रही है। यस सर मैं वही तो बोल रहा था, तो अभिषेक को बोलो भाई, अभिषेक अपनी स्क्रीन बंद करो, चलो मैं कर देता हूं, ठीक है। दिख रहा है, यस यस सर ठीक सर, है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे भाई, वह R1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1/H1A, 1/20 आ जाएगा, 1/10 × 20, 0.005। इसी तरीके से R2 की वैल्यू निकाल लोगे कितनी आएगी, 0.0167, ठीक है। उसके बाद R3 की वैल्यू निकाल लोगे, R3 की वैल्यू कितनी आएगी, R3 की वैल्यू आ जाएगी 1/H2A, H2 की वैल्यू दी हुई है 30 और एरिया तुम्हारा 20 ही होगा, तीनों केस में एरिया 20 ही होगा, वही वाला एरिया लेंगे जहां से हीट फ्लो कर रही है, जो परपेंडिकुलर है हीट फ्लो के, ठीक है। तो 1.67 × 10⁻³, ठीक है, कैल्विन पर वाट इसकी यूनिट होती है, ठीक है। तो अब ये तीनों वैल्यू हमें डाल देनी है यहाँ पे, यहाँ पे हमें तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा, जो भी क्यू की वैल्यू है, ठीक है, तो ये आएगा हमारा, ये है 0.00, जो H1 ये आएगा ये 0.005 आया है, ठीक है, प्लस दूसरा जो है हमारा ये आया है हमारा 0.0167, ओके। तो 0.0167 हो जाएगा, ये 0.0167 प्लस H2A, 1/H2A की जो वैल्यू आई है, देख सकते हो 1/H2A की जो वैल्यू आई है R3, ठीक है, इसकी वैल्यू आई है 1.67 × 10⁻³, ठीक है। तो 1.67 ये आ जाएगा यहाँ पे, 1.67 × 10⁻³, ठीक है। ये कैलकुलेट करोगे तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी, मैं फाइनल क्यू की वैल्यू लिख रहा हूँ, तुम लोग कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। जो वैल्यू आ रही है दैट इज 1285.7 वाट, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारे पास,
1285.7 बार, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1285.7 बार, ठीक है, क्यू की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चाहिए टेम्परेचर, कहाँ का, यहाँ का और यहाँ का टेम्परेचर चाहिए। तो तुम्हें पता है कि हम जो ये हीट फ्लक्स वाली जो इक्वेशन होती है, ठीक है, इसको हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, या एक पर्टिकुलर हम गैप के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे अगर T1 से T infinity 1 के बीच लगाना चाहे तो भी हम लगा सकते हैं हीट ट्रांसफर के इक्वेशन को, या T1 T2 के बीच लगाना चाहे तो भी हम हीट ट्रांसफर के इक्वेशन को लगा सकते हैं, क्योंकि Q की वैल्यू वही रहेगी, स्टडी स्टेट में जो Q की वैल्यू है वो कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो दूसरा तुमसे पूछा हुआ है हीट फ्लक्स, ठीक है, तो हीट फ्लक्स कुछ नहीं है, जो हीट फ्लक्स क्या होता है, हीट फ्लक्स होता है हीट ट्रांसफर डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ द जो स्लैब है तुम्हारा या जो भी तुम्हारे पास मटेरियल है। तो यहाँ पे है हमारे पास, ये हमें पता चल चुका है, ये हम निकाल चुके हैं, 1285.7 डिवाइडेड बाय 20 कर दोगे तो ये 64.28 आ जाएगा, ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 64.28 तुम्हारा आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें क्या निकालना है, अब हमें चाहिए T1 की वैल्यू, ठीक है, तो T1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो बहुत ईजी है। अब तुम देखो T1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करोगे, देखो T1 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हो कि जो तुम हीट ट्रांसफर की इक्वेशन है वो तुम T infinity 1 और T1 के बीच में लगा सकते हो, ठीक है। तो T infinity 1 और T1 के बीच में अगर हम हीट ट्रांसफर की इक्वेशन लगाते हैं तो क्या होगा, Q की वैल्यू क्या लिखेंगे, T infinity 1 माइनस T1, ठीक है, डिवाइडेड बाय R जो होगा, ठीक है, किसका, R1 लिख लो आज तो, R1, ठीक है, इनके बीच में जो होगा, ठीक है, रेजिस्टेंस वो, ठीक है। तो Q की वैल्यू ऑलरेडी तुम निकाल चुके हो, ठीक है, Q की वैल्यू हमें पता चल चुकी है भाई, ठीक है, ऑलरेडी हमारा Q नोन है, हमें क्या चाहिए, T1 चाहिए, ठीक है। तो T1 की वैल्यू क्या होगी, देखो यहाँ पे QR1 will be equal to T infinity 1 minus T1, this implies T1 will be nothing but T infinity 1 minus QR1, ठीक है, सारी वैल्यू पता है, T infinity 1 कितना दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तुम्हें केल्विन में लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें केल्विन में, यहाँ हमारा टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है, सिंगल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे केल्विन में ले लेना, तो 20 plus 273, ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारा 293, ठीक है, माइनस क्यू की वैल्यू हमने निकाली थी कितनी, 1285.7, ठीक है, तो इसको ले लेंगे 1285.7, इन्होंने वैसे यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड में भी लिया हुआ है, डिग्री सेंटीग्रेड में लिया हुआ है, तुम केल्विन में ही लेना, क्योंकि केल्विन में कैलकुलेशन मिस्टेक होने की जो प्रोबेबिलिटी रहती है वो कम रहती है, ठीक है। तो ये जितना भी आया था 1287, ठीक है, 1287 और मल्टीप्लाइड बाय R1 हमारा आया था 0.005, ठीक है, तो 0.005, तो इससे तुम्हारा ये केल्विन में आ जाएगा टेम्परेचर, T1 जो है केल्विन में आएगा, उसको तुम डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर लेना, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, T1 ऐसे निकाल लोगे। अब कितने लोग ये है T2 निकाल सकते हैं बताओ, T2 के लिए क्या करेंगे, T2 के लिए हीट ट्रांसफर की इक्वेशन किसके किसके बीच लगाएंगे, T2 के लिए हीट ट्रांसफर की इक्वेशन कौन से टेम्परेचर के बीच लगाएंगे, T2 माइनस T इन्फिनिटी 2। ओके, बिल्कुल सही, ठीक है, तो T2 माइनस T इन्फिनिटी 2 डिवाइडेड बाय उनके बीच का रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू कितनी होगी, Q के बराबर होगी, ठीक है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, Q के बराबर होगी। तो अगर ये लगाएंगे तो हमारा जो T2 है वो निकल जाएगा, मैं तो लिख देता हूं एक बार, ठीक है, T2 निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, Q इज इक्वल टू क्या लिखेंगे,
टी टू माइनस टी इन्फिनेटिव टू, क्योंकि टी टू बड़ा है यहाँ पे, ठीक है, माइनस साइन हम नहीं लगाना चाहते हैं, तो टी टू माइनस टी इन्फिनेटिव टू डिवाइडेड बाय आर थ्री, ठीक है, तो यहां से निकल जाएगा भाई जैसे निकाला था, तो टी टू चाहिए हमें, ठीक है, तो टी टू की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारी आ जाएगी क्यू आर थ्री प्लस टी इन्फिनेटिव टू, ठीक है, क्यू की वैल्यू ऑलरेडी तुम्हें पता है 1287, ठीक है, आर थ्री की वैल्यू देख लेते हैं, आर थ्री की वैल्यू 1/h3a होगी, ठीक है, ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1.67 × 10⁻³, ठीक है, तो 1.67 × 10⁻³ और प्लस टी इन्फिनिटिव टू, डिग्री सेंटीग्रेड में भी ले सकते हो यहाँ पे, ठीक है, या केल्विन में लेना चाहो केल्विन में लेना, ठीक है, ज्यादा बेटर ये रहता है केल्विन में लेके चलो तो मिस्टेक कम होती है, ठीक है, तो यहाँ पे 263 ले लेना तुम इसको, ठीक है, टी इन्फिनिटिव टू तुम्हारा क्या है -10 है, ठीक है, -10 का मतलब 263 केल्विन हो गया, तो यहाँ से तुम्हारा जो टी टू है वो केल्विन में आ जाएगा, उसको तुम डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर लेना, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे क्या आंसर आया है, ठीक है, देख लो यहाँ पे तो डायरेक्ट उसी में ले रखा है इन्होंने, ठीक है, सीधा डिग्री सेंटीग्रेड में ले लिया है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में ले सकते हो, ठीक है, 13.57, क्योंकि इस इक्वेशन में क्यू क्यू की इक्वेशन में कोई टेम्परेचर नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे ले सकते हो, अदरवाइज अगर यहाँ पे कहीं पे भी कैल्विन होगा, ठीक है, तो उस केस में हम इसको नहीं ले पाएंगे डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है, तो इसमें 13.57 आ जाएगा टी वन की वैल्यू, और टी टू की वैल्यू आ जाएगी हमारी -7.85 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, क्लियर है ये किस तरीके से निकालेंगे, तो जो तुम्हारा वाल है उससे जो टोटल हीट ट्रांसफर होगी उसकी जो वैल्यू होगी दैट इज 1285.7 वाट, ठीक है, अब मैंने देखा था तुम लोगों ने जब सेशनल दिया था तो सेशनल में बहुत सारे लोगों ने जो यूनिट लिखी थी, ठीक है, हीट ट्रांसफर की, वो वाट पर मिनट लिखी थी या वाट पर सेकेंड लिखी थी, बहुत लोगों को मैंने देखा था, ठीक है भाई, वाट तो ऑलरेडी क्या है तुम्हारा, पर सेकेंड ही है ना, वाट क्या है तुम्हारा, जूल पर सेकेंड है, तो ऑलरेडी इट इज जूल पर सेकेंड, तो उसमें और सेकेंड लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये हीट ट्रांसफर पर मिनट है, तो जूल में है एक्चुअली हीट ट्रांसफर, एंड यू आर डिवाइडिंग दैट विद द सेकेंड, दैट्स व्हाई इट इज कमिंग आउट टू बी इन वाट, ठीक है, तो जूल पर सेकेंड तुम्हारा क्या होता है, वाट होता है, तो अलग से जो यूनिट होगी हीट ट्रांसफर की दैट इज वाट, नॉट जूल पर सेकेंड, ठीक है, सॉरी नॉट वाट पर सेकेंड, तो बहुत लोगों ने मैंने देखा था कि तुम लोगों ने गलत लिखी थी यूनिट, सो यूनिट यू मस्ट करेक्ट ऑल द यूनिट्स, ठीक है, जो यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी से पता चलता है, इक्वेशन से भी अगर तुम कैलकुलेट करोगे जो क्यू की वैल्यू होती है, ठीक है, -KA dT/dx, तो वहां से भी देखोगे वो तुम्हारा जूल पर सेकेंड आता है, दैट्स व्हाई इट इज रिटन एज अ वाट, ठीक है, सो यूनिट विल बी वाट, क्यू द यूनिट ऑफ क्यू विल बी वाट नॉट वाट पर सेकेंड, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया, ठीक है, कंप्लीट है, इस क्वेश्चन में किसी को भी दिक्कत हो तो बता दो भाई, अब एक कंपोजिट स्लैब का क्वेश्चन कर लेते हैं, इसमें किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया ये सबको क्वेश्चन, यस सर, ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कंपोजिट स्लैब का क्वेश्चन कर लेते हैं, जिसमें थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा क्वेश्चन देख लेता हूं मैं, कोई जो जिसमें सारे हो, ठीक है, सीरीज पैरेलल दोनों कंसेप्ट यूज हो जाए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन कोई हम कर लेते हैं, चलो पहले तुम्हें एक कंपोजिट स्लैब का क्वेश्चन करा देता हूं, ओके, सो द क्वेश्चन नंबर 3.4, ओके, क्वेश्चन नंबर 3.4 क्या कह रहा है कि द कंपोजिट वाल ऑफ एन ओवन, ठीक है, कोई ओवन है, ठीक है, उसकी जो कंपोजिट वाल है उसमें तीन मटेरियल है, ठीक है, ओवन जहां पे तुम, ओवन क्या होता है सबको पता होगा, ठीक है,
हीटिंग के लिए यूज करते हैं, हीटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं, आजकल तो घरों में भी होता है ओवन सबके, ठीक है। कंपोजिट वॉल ऑफ एन ओवन कंसिस्ट ऑफ अ थ्री मटेरियल, टू ऑफ देम आर नोन, ठीक है, उसमें से दो की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो हमें पता है, ठीक है। उसमें से दिया हुआ है जो थर्मल कंडक्टिविटी है एक मटेरियल की, वो के ए की वैल्यू दी हुई है 20 वाट पर मीटर केल्विन, और के सी की वैल्यू दी हुई है 50 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। ये दो चीजें दी हुई है, ठीक है, दो मटेरियल की थर्मल कंडक्टिविटी पता है, ठीक है, तीन मटेरियल लगे हैं उसमें से दो की थर्मल कंडक्टिविटी पता है, मतलब के ए पता है और के सी पता है, बीच वाले का नहीं पता, ठीक है। तीन मटेरियल लगे होंगे के ए के बी के सी, ठीक है, तो उसमें के बी की वैल्यू नहीं पता है, ठीक है। एंड नोन थिकनेस, थिकनेस भी पता है, ठीक है, जो दो हमारे मटेरियल लगे उनकी थिकनेस पता है, एक की थिकनेस 0.3 है और एक की थिकनेस 0.15 है, ठीक है। देन द थर्ड मटेरियल इज बी, ठीक है, थर्ड मटेरियल जो है वो तुम्हारा बी है। तीन मटेरियल लगे ए बी सी, जिसमें से ए और बी की लेंथ और थर्मल कंडक्टिविटी पता है, बी की नहीं पता है, ठीक है। विच इज टू बी सैंडविच बिटवीन मटेरियल ए एंड सी, जो बी की पोजिशन है वो ऐसी है कि ए पहले लगा है, फिर बी लगा है, फिर सी लगा है, ठीक है। ऑफ इट्स नोन थिकनेस 0.15 मीटर, थिकनेस तुम्हें दे दी इसने कि एल बी की थिकनेस ये होगी, बट अननोन थर्मल कंडक्टिविटी के बी, ठीक है, जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अननोन है, ठीक है। क्या निकालना है इसमें, अंडर द स्टेडी स्टेट ऑपरेटिंग कंडीशन द मेजरमेंट रिवील्स एन आउटर टेम्परेचर ऑफ मेटेरियल सी टू बी 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो स्टडी स्टेट कंडीशन जब पहुंच गई, ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा मटेरियल है, ठीक है, उसमें ये पता चल गया कि जो सी है, ठीक है, तो उस सी वाले मटेरियल की सरफेस का जो टेम्परेचर है वो है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, और जो इनर सरफेस है ए का, ठीक है, वो है 600 डिग्री सेंटीग्रेड पे, एंड द इनर सरफेस ऑफ ए इज एट 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। द ओवन एयर टेम्परेचर इज 8800 डिग्री सेंटीग्रेड, जो ओवन का एयर का टेम्परेचर है वो है हमारा 800 डिग्री सेंटीग्रेड। The inside convection coefficient transfer, heat transfer coefficient is given as 20 watt per meter Kelvin. What is the value of KB? तुम्हें बतानी है thermal conductivity की value KB थी, ठीक है। तो problem को पहले देख लेते हैं, ये देखो ये है तुम्हारी problem जो भी है, ठीक है, ये तुम्हारे पास दिया हुआ है, ठीक है, ये तुम्हारे पास given है, ये सारी चीजें जो है तुम्हारे पास यहाँ पे given है, ठीक है। अब ये देखो ये तुम्हारा ओवन है, ठीक है, ओवन के अंदर ये देखो ओवन है, ओवन होगा तो ओवन में सबसे पहले क्या लगा है कि भाई के ए लगा है, ठीक है, ओवन के अंदर की बात कर रहे हैं, ये जो जहां पे एच वन लिखा है, ठीक है, या एच आई जहां पे लिखा है, ये एच आई जहां पे लिखा हुआ है वो तुम्हारा इनसाइड ऑफ द ओवन दिखा रहा है, ठीक है। ओवन के अंदर का टेम्परेचर टी इन्फिनिटिव जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 800 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। उसके बाद है तुम्हारा T1, मतलब सरफेस टेम्परेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर जो पहला मटेरियल लगा होगा उसके जो सरफेस होगी उसका टेम्परेचर। उसके बाद फिर KB है, ठीक है, B मटेरियल लगा है, ठीक है, इसकी थर्मल कंडक्टिविटी KB हमें अननोन है, ठीक है, इसका टेम्परेचर हमें नहीं पता कि क्या टेम्परेचर है इसके सरफेस का, ठीक है, बी पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है या इस सरफेस पे क्या टेम्परेचर है ये हमें नहीं पता, ठीक है। उसके बाद सी लगा हुआ है, ठीक है, तुम्हें यह पता है कि जो सी सरफेस है उसके आउटसाइड, मतलब टी नॉट यहाँ पे बोला हुआ है इसको, ठीक है, तो टी नॉट की वैल्यू दी हुई है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सारी क्वांटिटी तुम्हारे पास गिवन है और पूछा ये है कि बताओ भाई कि के बी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया, ओवन के इनसाइड का टेम्परेचर 800 डिग्री, ठीक है, उसके बाद लगा है मेटेरियल ए, ठीक है, उसके बाद लगा है मेटेरियल बी, उसके बाद लगा है मेटेरियल सी, ठीक है, सी जो है सबसे लास्ट में लगा है, ठीक है, मतलब ओवन की बाहर साइड बोल सकते हो, ठीक है, और उसका जो सरफेस का टेम्परेचर है दैट इज गिवन टू यू, ठीक है, दैट इज टी नॉट, दैट इज 20 डिग्री सेंटीग्रेड इन दिस इक्वेशन, इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। सो व्हाट इज आवर टास्क, आवर टास्क इज टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द के बी, द अननोन थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, द लेंथ द थिकनेस ऑफ थ्री मटेरियल इज गिवन, द थिकनेस ऑफ ए मटेरियल इज एल ए, द थिकनेस ऑफ बी मटेरियल इज एल बी, एंड द थिकनेस ऑफ सी मटेरियल इज एल सी, ठीक है। सो देयर इज अ कंपोजिट इन द ओवन, ओके, एंड वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दिस मटेरियल, ठीक है। तो बहुत आसान है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, तुम्हें अब तक जो सर्किट है वो बनाना आ गया होगा, ठीक है। तो सर्किट अगर बनाना आ गया है तो मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ इसको, तो इसका सबसे पहले क्या करना है, तुमने सर्किट बना लेना है, ठीक है। सर्किट कैसे बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा टी इन्फिनिटिव होगा, ठीक है, टी इन्फिनिटिव से टी वन के बीच एक रेजिस्टेंस होगा, वो होगा कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस, उसकी वैल्यू कितनी होगी, अगर एच आई बोले यहाँ पे जो
ये ट्रांसफर कोफिशियंट है कन्वेक्टिव, एच आई मैं बोलता हूं अगर, डीवीएस की वैल्यू 25 ऑलरेडी, ठीक है, तो जो ये वैल्यू होगी द रेजिस्टेंस बिटवीन टी इंफिनिटिव एंड टी आई विल बी 1 अपॉन एच आई ए, ठीक है। उसके बाद पहला स्लैब आ गया, ठीक है, टी आई, और यहां पे कुछ टेम्परेचर होगा, इस टेम्परेचर की वैल्यू दी नहीं है, ठीक है, तो तुम कुछ भी मान सकते हो, टेम्परेचर यहाँ पे लिखा नहीं है क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी हम लोगों को, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे लिखा नहीं है, तुम कुछ भी टेम्परेचर मान सकते हो, टी वन टी टू जो मर्जी यहाँ पे मान लेना। तो इस पॉइंट से लेकर के ये जो पॉइंट तुम्हें दिख रहा है, दो पॉइंट जो दिख रहे हैं जहां पे ए खत्म हो रहा है, उसके बीच में जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज एल ए अपॉन के, ठीक है। सिमिलरली के बी का रेजिस्टेंस लिख देंगे, ठीक है, एल बी अपॉन के बी ए, ठीक है। सिमिलरली इसका रेजिस्टेंस लिख देंगे, जो लास्ट का टेम्परेचर है वो हमें पता है टी नॉट है, ठीक है, और ये एल सी अपॉन के सी है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको, ठीक है, जो एजम्पशन होंगे वो एजम्पशन हर जितनी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगी उसमें एजम्पशन ये वही वैलिड होते हैं, ठीक है, कि एक स्टडी स्टेट हीट ट्रांसफर मान के चलते हैं, और कांस्टेंट प्रॉपर्टीज मतलब जो ही इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कहीं भी इस स्लैब में चले जाओ, चाहे इस कोने में चाहे इस कोने में कहीं भी, तो वो के ए ही होगी, ठीक है। तो बहुत ही आसान है इसको कैलकुलेट करना, ठीक है। देखो हीट ट्रांसफर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हीट ट्रांसफर की वैल्यू होगी, ठीक है, ये यह अगर यहाँ पे मैं बात करूं, यहाँ पे अगर हीट ट्रांसफर हमने निकालना है, ठीक है, इसके और इसके बीच में अगर हीट ट्रांसफर हमें निकालना है तो हम इसकी वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जो Q बाय A की वैल्यू होगी, ठीक है, जो Q बाय A की वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी, दैट विल बी एच आई इंटू टी इंफिनिटी माइनस टी आई, ठीक है। यहाँ पे पता है ये, यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग लगाएंगे भाई। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग कहता है कि Q की वैल्यू होती है एच इंटू जो सरफेस का टेम्परेचर है माइनस जो एयर का टेम्परेचर है, ठीक है, अगर सरफेस का ज्यादा है तो, अगर एयर का ज्यादा है तो एयर का टेम्परेचर माइनस सरफेस का टेम्परेचर, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें एयर का टेम्परेचर ज्यादा है तो यहाँ पे टी आई मान लिया क्योंकि ओवन के अंदर है, ठीक है, माइनस टी इंफिनिटी मान लिया, माइनस टी आई, ठीक है, टी आई दिया हुआ है 600 डिग्री सेंटीग्रेड तुम्हारा। तो यहां से तुम्हें क्यू बाय ए की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी, मतलब हीट प्लस तुम्हें मिल जाएगा कि हीट प्लस की वैल्यू क्या होगी, क्यू बाय ए की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब पूरी सर्किट में जो तुमने ये सर्किट बनाई है इसमें जो फ्लो करेगा ये यही वाला क्यू करेगा, सेम क्यू करेगा जो क्यू तुमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। तो अगर मैं यहां पे लगाता हूं ओवरऑल हीट, जो ओवरऑल हमारा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, अगर उससे हम हीट ट्रांसफर निकालते हैं तो हम क्या इक्वेशन लगाएंगे कि Q बाय A की जो वैल्यू होगी, ठीक है, या Q की ही वैल्यू निकाल लो, अगर Q बाय A नहीं निकालते तो, क्योंकि A कॉमन यहाँ पे ले लिया हुआ है, ठीक है, तो Q की वैल्यू क्या होगी, T1 माइनस T इंफिनिटी डिवाइडेड बाय जो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे। देखो एक तो हमने Q बाय A की जो वैल्यू निकाली वो हमने निकाली न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, ठीक है, और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ये कहता है कि इसकी वैल्यू होगी H, जो भी है एच आई यहाँ पे माना था, और टी इंफिनिटी ओवन के अंदर का टेम्परेचर था, और टी आई जो ए मटेरियल था उसके सरफेस का टेम्परेचर था, ठीक है, और यहाँ से हमने क्यू बाय ए निकाल लिया, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये वैल्यू तुम्हें पता है ऑलरेडी दी हुई, एच वन टी इंफिनिटी सारी वैल्यू गिवन है, ठीक है, ये हमने निकाल लिया 5000, ये 5000 आ गई इसकी वैल्यू, ठीक है, वाट पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया यहां से डिवाइड हो गया, ठीक है। दूसरा हम निकाल सकते हैं, क्यू को तुम लिख सकते हो ओवरऑल टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी ओवरऑल डिवाइडेड बाय आर टोटल, डेल्टा टी ओवरऑल हमें पता है क्योंकि ओवन के अंदर का भी टेम्परेचर पता है और बाहर सरफेस का भी टेम्परेचर हमें यहाँ पे पता है, ठीक है, तो देख सकते हो ये हमारा ये टी इंफिनिटिव हमारा यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है, और टी नॉट यहाँ का टेम्परेचर है, तो ओवरऑल जो टेम्परेचर है दैट इज टेम्परेचर डिफरेंस ओवरऑल जो है दैट इज टी इंफिनिटिव माइनस टी नॉट, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लिख सकते हैं, या फिर यहां से यहाँ के बीच भी इसको लगा सकते हो, जहां से जहां के बीच लगाना चाहो तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, उसके हिसाब से लगा सकते हो। अगर यहां से यहाँ के बीच ही इसने लगाया हुआ है, टी आई और टी नॉट के बीच में लगाया हुआ है, तो टी आई और टी नॉट के बीच में अगर हम लगाते हैं तो इसको लिखेंगे भाई टी आई माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय डेल्टा आर टोटल बिटवीन टी आई एंड टी नॉट, ठीक है, तो ये तुम्हें ऑलरेडी पता है, ठीक है, टी आई दिया हुआ है, टी नॉट तुम्हारे पास दिया हुआ है, आर टोटल क्या हो जाएगा, देखो टी आई और टी नॉट जो है
वो स्लैब में ही लगाया है हमने, यहाँ पे स्लैब के बीच में ही लगाया है ये जो टोटल है, ठीक है। तो स्लैब के बीच में लगाया है, तो स्लैब के बीच में ये टी आई की जो वैल्यू है, ठीक है, और टी नॉट की जो वैल्यू है ये हमारे पास गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। टी आई 600 दिया हुआ है, जो हमारा इधर का मटेरियल है यहाँ का टेम्परेचर, ये टी आई 600 दिया हुआ है, ठीक है। तो इसकी तो 600 वैल्यू होगी। टी नॉट दिया हुआ 20, जो सी सी की सरफेस का टेम्परेचर है वो 20 दिया हुआ है, ठीक है। और बाकी वैल्यू तुम्हें ऑलरेडी पता ही है, ठीक है। तो सीधा सीधा इसको लिख सकते हो, जो हमारा रेजिस्टेंस होगा, तीन रेजिस्टेंस है यहाँ पे, एल ए बाय के ए, टी आई और टी नॉट के बीच में तीन रेजिस्टेंस है, एल ए बाय के ए इंटू ए, एल बी बाय के बी इंटू बी और एल सी बाय के सी इंटू सी, ठीक है। तो अगर इसको लिख देते हो एल ए बाय के ए इंटू ए, ठीक है, प्लस एल बी बाय के बी इंटू ए, ठीक है, ये ए यहाँ यहीं पे आएगा, प्लस एल सी बाय के सी इंटू ए, ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q बाय A, A ले लिया बाहर, इधर ले लिया हमने, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी टी आई माइनस टी नॉट डिवाइडेड बाय एल ए बाय के ए प्लस एल बी बाय के बी प्लस एल सी बाय के सी। अब इस इक्वेशन में देखो क्या अननोन है, सारी चीजें तो पता है, ये तुम्हें पता है, ये भी पता है, ठीक है। Q बाय A की वैल्यू तुम ऑलरेडी निकाल चुके हो यहां से, Q बाय A की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ठीक है। एल ए दिया हुआ है, के ए दिया हुआ है, ठीक है, और एरिया तुम्हें पता ही है ऑलरेडी जो है, एरिया तो लेना ही नहीं है, एरिया तो हमने यहाँ ले लिया, ठीक है। तो एल ए बाय के ए की वैल्यू पता है, एल बी बाय के बी की वैल्यू पता है और एल सी बाय के सी की वैल्यू पता है, ठीक है। इसमें एल बी की वैल्यू पता है ये नहीं पता है, बस तुम्हें ये निकालना है। तो इस पूरी इक्वेशन में जो अननोन है वो कौन सा है, हमारा के बी, ठीक है। तो के बी तुम निकाल सकते हो इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो देख लेते हैं यहाँ पे जो सॉल्व करके निकाला हुआ है, ठीक है। ये देखो ये सारी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू तुमने निकाल ली, ठीक है, कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर से निकाली थी ये, ठीक है, 5000, और ये 600 दिया हुआ है आउटसाइड, यहाँ का टेम्परेचर हमारा 600 था और यहाँ का 20 था, तो ये सीधा ले लिया, टेम्परेचर डिफरेंस है तो डिग्री में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सीधा एल ए बाय के ए, एल ए दिया हुआ था 0.3, के ए थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल ए इज गिवन एज 20, ठीक है। सिमिलरली एल बी इज गिवन, के बी यू हैव टू फाइंड आउट, ठीक है, एंड केस एल सी इज गिवेन एज 0.15, ठीक है, एंड द के सी इज गिवेन एज 50। तो ये इसको सॉल्व करोगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएगी, के बी की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी, ठीक है। तो जो के बी की वैल्यू आएगी वो देख लेना 1.53 वाट पर मीटर कैल्विन आएगी कैलकुलेट करके, ठीक है। ये आ गया समझ में सबको? यस सर। देखो जो ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें एग्जैक्टली बिल्कुल करके बताऊंगा, ठीक है, एक एक स्टेप, ठीक है। और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, अभी बस मैं तुम्हें अलाइंड कर रहा हूँ कि तुम्हें ये पता चल जाए कि जो सीरीज का कंसेप्ट है वो कैसे लगाना है, जो पैरेलल का कंसेप्ट है वो कैसे लगाना है, ठीक है। तो चाहे कोई भी केस हो, ठीक है, एक चीज याद रखना कि ये जो Q बाय A की वैल्यू है या जो Q की वैल्यू है इसको तुम लोग कहीं भी लगा सकते हो, किसी भी टेम्परेचर डिफरेंस में, ठीक है। या तो ओवरऑल में लगाना चाहो तो ओवरऑल में लगा सकते हो, अगर कोई भी दो टेम्परेचर चूज करते हो तो वहां उनके बीच भी लगा सकते हो। यहाँ पे हम ये भी लगा सकते थे कि अगर मैं इस पॉइंट का टेम्परेचर कुछ T1 बोल देता, ठीक है, तो टी आई माइनस टी इंफिनिटिव के बीच से भी मैं जो Q की वैल्यू है वो निकाल सकता था, ठीक है। लेकिन चूंकि यहाँ दिया नहीं था ना, यहाँ पे ये जो के ए सरफेस था इसका ना टेम्परेचर दिया है ना यहाँ पे दिया हुआ था टेम्परेचर की इस पॉइंट पे क्या टेम्परेचर है, मतलब के बी के खत्म होने के बाद क्या टेम्परेचर है इस सरफेस पे, ये भी नहीं दिया था और ना ही ये दिया था। अगर ये दिया होता तो हमें ये टी आई और टी नॉट के बीच लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है, फिर हम क्यू बाय ए की वैल्यू सीधा यहीं से निकाल लेते, ठीक है। एक अगर यहां और यहां का पता होता तो सीधा हम यहां और यहां के बीच लगा देते, अगर बी की इधर वाली सरफेस का और उधर वाली सरफेस का पता होता, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें बता देता हूं, देखो अगर हमें इस क्वेश्चन में ऐसा होता कि तीन थे, ठीक है, पहला ये था भाई, दूसरा ये था और तीसरा ये था, तीन थे, ठीक है। अगर हमें इसका टेम्परेचर दे दिया था कि ये इसका टेम्परेचर टी आई गिवन था, ठीक है, और यहाँ का टेम्परेचर नहीं दिया था इसने, ठीक है, अब मैं बोल देता हूँ यहाँ का टेम्परेचर T1, यहाँ का टेम्परेचर नहीं दिया था T2, यहाँ का टेम्परेचर T0, ठीक है। अब अगर ये टेम्परेचर हमें मालूम होता, मान लो
ठीक है, और हमसे पूछता कि भाई इसकी थर्मल कंडक्टिविटी बताओ, ठीक है, और ये एलबी हमें मालूम था, ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं से निकल जाता, क्यों, क्योंकि क्यू की वैल्यू थी, तुम क्या लगाते, क्यू इज इक्वल टू लिखते टी वन माइनस टी टू डिवाइडेड बाय एलबी बाय केबी, ठीक है, तो क्यू तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, ठीक है, एलबी बाय केबी इंटू ए, ठीक है, तो इसको हम लिख देते क्यू बाय ए इज इक्वल टू टी वन माइनस टी टू एलबी बाय के बी, ठीक है, और ये क्यू बाय ए तुम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे किससे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से, इससे जो कैलकुलेट किया था क्यू बाय ए इक्वल टू एच आई इंटू टी आई टी इन्फिनिटिव माइनस टी आई, ठीक है, इससे कैलकुलेट ऑलरेडी हम कर चुके हैं इस क्यू बाय ए की, तो क्यू बाय ए की वैल्यू सीधा यहाँ डालते और निकल जाता, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे ये टेम्परेचर हमारा मिडिल का मालूम नहीं था, इसीलिए हमें ओवरऑल में लगाना पड़ा क्यू, ठीक है, तो इसीलिए हमने Q को लगाया किसके किसके बीच, टी आई और टी नॉट के बीच लगाया, और उसके बाद इनके बीच का जो टोटल रेजिस्टेंस है यहाँ पे ये आया, यहाँ पे नीचे के आया आर टोटल, ठीक है, किसके किसके बीच का, टी आई और टी नॉट के बीच, ठीक है, ये हम अगर चाहते तुम इसको ऐसे भी लगा सकते थे, टी इन्फिनिटी वन माइनस टी नॉट भी लगा सकते थे, ठीक है, टी इन्फिनिटी वन या टी इन्फिनिटिव जो भी बोला था एक ही है यहाँ पे, तो टी इन्फिनिटिव बोल देते हैं, तो टी इन्फिनिटिव अगर इधर का ओवन के अंदर का टेम्परेचर था तो इसके और इसके बीच भी लगा सकते हैं, इसको टी इन्फिनिटिव यहाँ का टेम्परेचर ले लेंगे और टी नॉट यहाँ का टेम्परेचर लेंगे, उस केस में जो आर टोटल आएगा, ठीक है, उस केस में जो आर टोटल आएगा उसमें एक कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस भी आएगा टी इन्फिनिटिव और टी आई के बीच का, ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि क्यू की जो इक्वेशन है उसको तुम कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन में तुम अप्लाई कर सकते हो, जहां पे भी तुम चाहो, ठीक है, क्लियर है ये चीज। क्यू की इक्वेशन को कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, जिस भी सेक्शन में तुम, जिस भी दो टेम्परेचर के बिटवीन तुम लगाना चाहो क्यू की इक्वेशन, वो तुम लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि जो हमारा स्टडी स्टेट कंडीशन होती है, स्टडी स्टेट कंडीशन के लिए क्यू की वैल्यू सेम ही होगी, ठीक है, सर्किट तो वही है ना भाई, करंट की जगह पे हीट फ्लो कर रही है, तो हीट तो हर रेजिस्टेंस से उतना ही, मतलब जो करंट होता है वो हर रेजिस्टेंस से उतना ही गुजर रहा है अगर सीरीज में है तो, ठीक है, इसी तरीके से जो हीट है तो उसको हम कहीं किसी के बीच भी लगाएंगे तो वो क्यू ही है, उसकी वैल्यू उसकी अलग नहीं है कुछ वैल्यू, ठीक है, तो इसीलिए क्यू को तुम किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में लगा सकते हो, ठीक है, अगर हम टी इन्फिनिटिव और टी नॉट के बीच में भी अगर इस क्वेश्चन में लगाते तो भी हमारा आंसर आ जाता, ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कुछ और न्यूमेरिकल तुम लोगों को कराऊंगा एक दो।